साथियों जरा आप कल्पना कीजिए कि आप कहीं बाहर गए हुए हैं और आपका खुदा न खास्ता कहीं दुर्घटना घट जाता है जिसमें आप या तो बेहोश हो जाते हैं या आप एक ऐसी अवस्था में चले जाते हैं जहां आपको होश नहीं होता है। तो हो सकता है उस दरमियान में आपके आसपास जो भी व्यक्ति हों वो आपकी सहायता करने के लिए आपके सामने आते होंगे और आपकी सहायता के लिए वो 112 एम्बुलेंस या फिर नज़दीकी चिकित्सालय आपको ले जाने का प्रयास भी करते होंगे। लेकिन साथियों बात दिक्कत यहाँ पर हो जाती है जब वो व्यक्ति आपके मदद करने के दरमियान में आपके परिवार वालों से संपर्क करना चाहता है तो उस दरमियान में जब वो आपका मोबाइल को लेकर के किसी व्यक्ति को आपके परिचित को आपके परिवार वालों को फोन करना चाहता है तो उस कंडीशन में जो आपका मोबाइल है वो लॉक्ड उन्हें मिलता है। क्योंकि साथियों आज वर्तमान समय में लगभग 90% लोग जो है अपने मोबाइल को लॉक्ड कंडीशन में रखते हैं, चाहे वो आप हो या मैं हूं, लॉक्ड कंडीशन में ही हमारा मोबाइल होता है। तो जब ऐसी घटना हमारे साथ घट जाती है जिस दरमियान में हमें जो भी हमारे इर्द गिर्द जो व्यक्ति हैं वो हमारे परिवार वालों को संपर्क कर बताना चाहते हैं उस कंडीशन में लॉक्ड जो हमारा मोबाइल होता है तो उसमें वो संपर्क नहीं कर सकते हैं। दोस्तों वैसे ये घटना को आप ऑपोजिट करके भी देख सकते हैं जिसमें कोई व्यक्ति का दुर्घटना घटा है, एक्सीडेंट हो गया है और वो बेहोश है, उसे आप हॉस्पिटल लेकर के गए हैं और आप उसके परिवार वालों से संपर्क कर बताना चाहते हैं कि वो इस हॉस्पिटल में एडमिट है, आकर के मिले। लेकिन जब उसका मोबाइल लॉक्ड होता है तब आप उसके परिवार वालों को संपर्क नहीं कर पाते हैं। दोनों ही कंडीशन में दोस्तों बात यहां मोबाइल के लॉक्ड कंडीशन की होती है। तो ऐसे स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, आज का जो हमारा ये एपिसोड है इसी खास विषय पर बताया गया है जिसमें हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे टेक्निक के बारे में जिसकी सहायता से आप किसी भी लॉक्ड मोबाइल को एक्सेस कर सकते हैं और उसके परिवार वालों को आप कॉल करके बता सकते हैं कि उसके साथ दुर्घटना घट चुका है, जो भी व्यक्ति है जिसका मोबाइल लॉक्ड है उसके साथ दुर्घटना घट चुका है और वो इस हॉस्पिटल में या जो भी एड्रेस में है आकर के उन्हें मिल लें। तो दोस्तों आज का जो ये वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव के साथ साथ इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आज के हमारे इस एपिसोड को आप बिना स्किप किए आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप कर देते हैं तो उस टेक्निक को आप ठीक से सीख नहीं पाएंगे और सीख नहीं पाएंगे तो खुद की या किसी और की आप सहायता नहीं कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौशल गोस्वामी और आप सभी का मैं आज के हमारे इस एपिसोड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि नीचे आपको एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा उसे जाकर के अगर आप दबा देते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ आपको बगल में एक बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसे अगर आप प्रेस कर देते हैं तो हमारे जो इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम बिना वक्त गंवाए आ जाते हैं हमारे मोबाइल स्क्रीन में। यहां मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि आप उस टेक्निक का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों उस टेक्निक को इस्तेमाल करने से पहले मैं आपको लाइव एक डेमो दे देता हूं कि मेरा मोबाइल जो है अगर स्क्रीन लॉक कंडीशन में रहता है और मेरा साथ एक्सीडेंट हो गया है या किसी के साथ भी एक्सीडेंट हो गया है तो आप उसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा जो ये मोबाइल है आपको लॉक्ड कंडीशन में दिखाई दे रहा है और ऐसे कंडीशन में अगर कोई भी व्यक्ति इसे एक्सेस करने का कोशिश करता है तो यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है और पासवर्ड उसको पता नहीं है या हमको पता नहीं है तो हम कैसे इसे हमारे परिजन को कॉल करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए साथियों आपको करना होगा कि आपके मोबाइल का पावर बटन जहां भी होगा उसे लगातार 3 से 4 से 5 बार प्रेस करना है कंटिन्यूसली। जैसे मैं ये प्रेस करके दिखा रहा हूं, ये 1 2 3 4 5 ये लगातार मैं 5 बार किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्क्रीन ओपन हो गया है जिसे इमरजेंसी SOS कहा जाता है। ये दोस्तों अभी जो जितने भी मोबाइल आ रहे हैं एंड्रॉयड वर्जन 9 के बाद के जितने भी मोबाइल है वो सारे मोबाइल में ये इनबिल्ट है, इसे आपको बस उसे जा करके इनेबल करना है। देख सकते हैं यहाँ पे इमरजेंसी नंबर 112 में कॉल लग सकता है, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है इमरजेंसी कॉन्टेक्ट होम लिखा हुआ है, देन थर्ड नंबर में लिखा हुआ है इमरजेंसी कॉन्टेक्ट बाबूजी एंड फोर्थ नंबर में लिखा हुआ है इमरजेंसी कॉन्टेक्ट भाई। इसमें से किसी भी व्यक्ति को हम एट अ टाइम कॉल कर सकते हैं। मैं होम में लगा के दिखाता हूं, जैसे ही हम होम को टच करते हैं देख सकते हैं आपको कॉलिंग जाता हुआ दिखाई दे रहा है, मेरे घर में ये कॉल जा रहा है। तो दोस्तों फिलहाल अभी इसे मैं काट देता हूं और मैं आपको बताता हूं कि आप इस सेटिंग को कैसे अपने मोबाइल में इनेबल कर सकते हैं। दोस्तों पहले मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन लॉक को ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद हमें जाना होगा हमारे मोबाइल के सेटिंग ऑप्शन में। जैसे
जैसे ही आप सेटिंग ऑप्शन में जाते हैं, आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको एक सिक्योरिटी का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा जिसमें आपको ये इमरजेंसी SOS की सर्विस मिल जाएगी। कई सारे ऐसे मोबाइल हैं जिसमें आपको प्राइवेसी का ऑप्शन दिखाई देगा, उसमें जा करके मिलेगा। फिलहाल मेरे इस मोबाइल में प्राइवेसी में है तो मैं प्राइवेसी में जाता हूँ, और यहाँ पर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर इमरजेंसी SOS लिखा हुआ है। तो साथियों जैसे ही आप इस इमरजेंसी SOS के ऑप्शन में जाते हैं, इसे आपको करना होगा प्रेस। साथियों देख सकते हैं यहाँ पे इमरजेंसी नंबर लिखा हुआ है। सबसे पहले इमरजेंसी नंबर को आपको प्रेस करना है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 112 का नंबर सेट है जो कि हमारे इंडिया में इमरजेंसी सर्विसेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो आप अगर बाय डिफॉल्ट 112 रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। फिलहाल इसके नीचे आपको यहाँ ऐड इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिखाई दे रहा है, तो ऐड इमरजेंसी कॉन्टैक्ट को आप जैसे ही प्रेस करते हैं उसके बाद ये आपके कॉन्टैक्ट में लेकर के चले जाता है। तो यहाँ आपका जो परिवार वाले हैं, जो परिचित हैं, जिनसे आपको विश्वास है कि आपके इमरजेंसी में काम आ सकते हैं, उनका नंबर आपको सेट करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे होम लिखता हूँ तो मेरा ये होम मेरे घर का नंबर है, इसे मैं ऐड कर देता हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे आपको दो नंबर और ऐड करने के लिए, टोटल तीन नंबर आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐड अनदर को फिर से सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ मैं कर देता हूँ अपने पिताजी के नंबर को, बाबूजी के नंबर को मैं यहाँ ऐड कर दिया हूँ। देन ये दोनों नंबर ऐड होने के बाद मैं थर्ड एक और नंबर मेरे भाई का नंबर ऐड कर देता हूँ। वो दो नंबर में अगर रिसीव नहीं होता है तो ये तीसरा नंबर मेरा भाई का है, इसमें रिसीव हो जाएगा। तीनों को ऐड करने के बाद ये देख सकते हैं तीनों ऐड हो चुके हैं, हमें आ जाना है बाहर। और यहाँ पे जो सेकंड नंबर का ऑप्शन दिया गया है वो है ऑटो डायल द डिफॉल्ट नंबर। इसमें होता है साथियों कि अगर आप इसे इनेबल कर देंगे तो केवल 112 में जाएगा, बाकी के तीन नंबर में नहीं जाएगा, तो इसे आप डिसेबल ही रखें। जो व्यक्ति आपके इर्द गिर्द मदद करने वाला है उसे ऑप्शन मिलना चाहिए कि वो 112 को ऑलरेडी कॉल करके रखा ही होगा अपने मोबाइल से, तो आपके मोबाइल से आपके परिचितों को कम से कम वो संपर्क कर सके। तो साथियों उसके बाद अगर आप नीचे आते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सेंड SOS मैसेज। इसको अगर आप इनेबल करते हैं तो आपके जो भी मैसेजेस है वो आपके इमरजेंसी जो नंबर आपने सेट करके रखे हैं उसमें जा करके सीधा मैसेज चला जाएगा। सेकेंड है सेंड पिक्चर्स ऑफ सराउंडिंग्स, अर्थात ये है साथियों कि आपके इर्द गिर्द में जो भी घटनाएं घट रही हैं उसके पिक्चर्स वो ऑटोमेटिक मोबाइल खींचेगा और आपके नंबर में भेज देगा, जहां जिस नंबर को आपने इसमें सेट करके रखा है, जो हमने ऊपर में सेट करके रखा है। एक चीज बता दूं साथियों, ये केवल इमरजेंसी दुर्घटना के लिए नहीं है, हो सकता है आपके साथ आपके जान में कुछ खतरा हो सकता है कोई व्यक्ति आपके ऊपर हमला किया होगा, कुछ ऐसी घटना घटी होगी जिसमें आप लगातार 5 बार अपने पावर बटन को ऐसे दबाएंगे तो आसपास के फोटो को आप खींच करके अपने परिचित तक पहुंचा सकते हैं। और जो तीसरा नंबर का इसमें ऑप्शन है, अर्थात जो लास्ट नंबर के इसमें ऑप्शन है, वो बताता है कि सेंड अ 5 सेकंड ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑफ सराउंडिंग, आपके इर्द गिर्द में जो भी घटनाएं घट रही हैं उसके 5 सेकंड का ऑडियो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड करके उस नंबर में भेज देगा। तो आपके जो परिचित हैं या जो आपके रिश्तेदार हैं उनको ये पता चल जाएगा कि आप मुसीबत में और आपके पास संपर्क करने का वो कोशिश करेंगे। तो साथियों आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में आपको जानकारी दी है। एक ऐसा सेटिंग जो लगभग सभी मोबाइल में होना चाहिए, आपके मोबाइल में, आपके घर वालों के मोबाइल में, आपके रिश्तेदार के मोबाइल में, आपके दोस्त यार मित्र सखा बंधु सबके मोबाइल में ये सेटिंग इनेबल होना ही चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए आपको करना ये होगा कि आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना है और लोगों को बताना है कि आप इस सेटिंग को इनेबल कर लें। साथियों अगर आपको इस सेटिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जा करके मुझे वहां पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा, या फिर आपको इंस्टाग्राम का मेरे आईडी में जाकर भी पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, देख सकते हैं नीचे आपको लाल कलर का एक सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है, उसे जाकर के अगर आप सब्सक्राइब कर देते हैं और बेल आइकन और ऑल को प्रेस कर देते हैं तो निश्चित रूप से साथियों आपको आने वाले फ्यूचर में ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज मिलते रहेंगे जो कि आपके दैनिक जीवन में हमेशा उपयोग होने वाली है। तो साथियों आशा करता हूं, विश्वास करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो जो है, हमारा आज का जो वीडियो है, वो पसंद आया होगा। तो साथियों आज की इस एपिसोड को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।